अभी तो मैं होंडा जा रहा हूँ, आपको होंडा दिखाता हूँ, ऑयल चेंज वगैरह सारा उसका प्रोसेस दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। मैंने उनसे टाइम ले लिया था और ऑयल फॉइल चेंज करवाने के लिए। ले जी पहुंच गए हम और जो है अब देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, वही होता है उनके ऑफिस जाके पहले मालूम करेंगे और अपनी गाड़ी हवाले करते हैं और काम शाम उसके अंदर तैयार हो जाए, ताकि फिर आपको दिखाता हूँ आगे। गाड़ी को वर्कशॉप में रिक्वायर्ड वर्किंग के लिए भेजने से पहले गाड़ी की फिटनेस, उसके अंदर तमाम चीज़ें ऑनर के सामने चेक की जाती हैं, ताकि कोई चीज़ की कमी बेशी ना हो और बाद में कोई शिकायत कंप्लेन ना हो। कोई कीमती चीज़ हो तो उसे निकाल लें, फिर उसके बाद वर्कशॉप में भेजा जाता है। गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करनी थी, इसलिए मैकेनिक ने उसे चला के पहले चेक किया, फिर उसके बाद उसे पेट पर लेकर आया। सबसे पहले गाड़ी के चारों टायरों को खोल के व्हील बैलेंसिंग के लिए उसके मखसूस यूनिट में भेज दिया गया। पाँच हज़ार में 300-400 किलोमीटर कम थी, लेकिन इंजन ऑयल की पोजीशन जो है वो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काला हो गया था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से होके आया था, बल्कि कश्मीर तक गया था। देखे जी, ये इसका एसी फिल्टर, ये इसका हाल है, थोड़ा सा डर्टी हो गया है, क्योंकि लाजमी सी बात है मैं कश्मीर तक गया था। और ये देखें, ये इसके एयर फिल्टर का हाल है, वो बुरा नहीं है बहुत ज़्यादा, पिछली दफ़ा डलवाया था। और ये जेन्युइन ऑयल फिल्टर, इसका एयर फिल्टर है। बहरहाल इसका मैं हाल दिखा रहा हूँ आपको, ये हम तकरीबन 3500 किलोमीटर 3600 किलोमीटर आना जाना हो गया था मेरा, उसके बाद इसका ये हाल है। वो सामने इसकी व्हील बैलेंसिंग हो रही है, मैंने बोला यार एक साल हो गया था मैंने नहीं कराई थी। ये गियर बॉक्स ऑयल का नट खोल रहे हैं और गियर बॉक्स ऑयल भी बदला गया है, 60,000 किलोमीटर हो गई थी तो होंडा की रिकमेंडेशन है बुक में।
और ये आप देख रहे हैं नीचे बराबर वाली पेट पे जो है ना गाड़ी कोटिंग हो रही थी, नीचे से कलर कोटिंग हो रही थी। ये गियर बॉक्स ऑयल निकल रहा है इसमें से, बज़ाहिर तो कह रहा था कि साफ नज़र आ रहा है लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से 60,000 किलोमीटर काफ़ी होता है, बदलवा देना चाहिए। अच्छा, ये मैंने बड़े मज़े की चीज़ देखी यहाँ पे, ये मशीन देख के मैंने पूछा, तो ये मशीन एसी गैस की रिफिलिंग के लिए है और बड़ी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको रिकनसाइल गैस को करती है पहले, और फिर इसकी ऑटोम पे लीकेज चेक करती है, और अगर लीकेज ना हो तो फिर गैस को रिफिल करके वैक्यूम करके फिर रिफिल करती है। जबकि आम मैकेनिक हमारे यहाँ क्या करता है, 2,500-3,000 की गैस डाल देता है और फिर अगर लीकेज होगी तो चेक नहीं करता, बाद में एक हफ्ते बाद उसके पास जाओ तो 2,500-3,000 की गैस ज़ाया हो जाती है, उसके बाद वो कहता है जी गैस चेक होगी। तो कंपनी से काम कराने का ज़रूर बिल्कुल बहुत फ़ायदा है, आपका पैसा और आपके काम जो सेफ़ होता है और आपका काम भी फर्स्ट क्लास होता है। सब काम करवाना बहुत ज़रूरी था, फाइनली हमने करा लिया है और अब मैं रेस्ट एरिया में आके बैठ गया, क्योंकि पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई का रेस्ट एरिया बड़ा ज़बरदस्त है, और आपको मैंने दिखाया किस तरह से एसी की गैस वो रिचार्ज कर रहे थे, किस तरह से नीचे कोटिंग कर रहे थे सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको चाय फीकी हो तो तो इस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है बेहतरीन, आपको एनवायरनमेंट के अंदर रिलैक्स होकर आप अपनी गाड़ी को खुद देख सकते हैं, खुद काम करा सकते हैं क्या डल रहा है क्या नहीं। और ये देखें आपको पानी शानी लाते हैं, और इनका जो ऑफिशियल है किचन में उन्होंने क्या शायद की सर्विस का भी पूछा, पिछली बार भी मुझसे पूछा था, और बाकी मैं आपको और वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह दिखाऊँगा, और इस्लामाबाद मरी और जहाँ तक भी मैं गया वहाँ का भी मैं आपको सारा टूर दिखाऊंगा, तो रहिएगा मेरे साथ। तो इस वीडियो के आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग समझते हैं चैनल के ऊपर काम करने को, अपना यूट्यूब चैनल बनाने को, कुकिंग और सिलाई कढ़ाई या इस तरह के जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ख़वातीन की, उनके ऊपर काम करने को कि जनाब वो पैसे की लालच में कर रही हैं, मोनेटाइज होगा पैसे की लालच में हविस है उनकी। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो के आखिर में कि वाइफ को किसी ने कहा होगा, तो मैंने बताती नहीं है मुझे किसने कहा है, लेकिन मैंने कहा चैलेंज मैं उसको इसके जगह जवाब दे दूँ कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच पैसे से लेके पैसे तक ख़त्म होती होगी, आपकी लाइफ में स्किल्स की कोई अहमियत नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो हो सकता है आप ऐसी सोच रखती हों तो ये सोच को ख़त्म करें। और ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कोई वक्त भी आ सकता है, तो औरत को चाहिए अपना एतमाद अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए कुछ करे, क्रिएटिव माइंड बने। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।